मेरे सुबह के कोई फाइव फोर्टी हो रहे हैं और मैं स्कोर देख रही थी मेरे चार बजे नींद खुल गई पता नहीं क्यों खुली तो मैंने कहा वो आज तो मैच था चलो देखते क्या स्कोर तो तब से मैं स्कोर देख रही हूँ गेम नहीं देख रही थी गेम नहीं देखूंगी अगर इंडिया नहीं खेल रहे तो मैं नहीं देखूंगी तो मैंने खाली स्कोर्स देखे थे और आप लोगों के कमेंट्स देख रही थी कई लोग कह रहे थे भैया पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा अच्छा तब तक कई लोगों ने कहा था कि भाई रन जो है उसके हिसाब से जो है इंग्लैंड जीतेगा पर मैंने जैसे ही खोला था तो शुरुआत हुई थी वन आउट हो चुका था इंग्लैंड का और उन्होंने तो शुरू से ही प्रॉबिलिटी मतलब जैसे ही पा पाकिस्तान का गेम खत्म हुई है बैटिंग खत्म हुई है स्कोर में हमेशा प्रॉबिलिटी जो थी बहुत हाई थी इंग्लैंड के जीतने की बीच में थोड़ी सेवेंटीज में चली गई थी तो उसके बाद फिर तो वो जो नाइन्टी नाइन नाइन्टी में रही है तो उससे तो लग ही रहा था कि भई ये इस बारी इंग्लैंड जीतेगी पर कई कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा अच्छा मुझे ये नहीं शुरू समझ में आ रहा था कि भाई मैं कैसे ये वीडियो शुरू करूं। तो भैया शुरू करना चाहिए मुझे क्या बोल के पाकिस्तान सूजी है <laughs> इंडिया हारा था तो आप लोगों के कमेंट्स की जो वो आ रही थी ना बुछार टाइप वो सब मैं पढ़ रही थी हाँ अच्छा बहुत सीरियस नोट पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वाली गेम में मैं किसको कौन चाहती हूँ कि जीते क्योंकि सोचने के तो जो थे दो एंगल्स थे एक था दोनों एक तो इंग्लैंड जिसने ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया हमें कंगला करके गए तो वो हिस्ट्री तो सबको पता है दूसरा भैया पाकिस्तान जो है नेबर पर बंटवारा करके टुकड़े कर दिए इंडिया के दो और टुकड़े करने के बाद रिलेशनशिप्स ऐसी रखी हैं जब से बना है कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट किए हैं इंडिया में टेररिज्म किया हुआ तो वो भी अब समझ नहीं आ रहा था अब ये सोच रही थी कि देखो कि एक एंगल ये भी था कि भाई पाकिस्तान है तो पार्ट ऑफ एशिया हमारा मतलब हम एक उस एक पार्ट के हैं तो अगर कोई कंट्री जो है एशिया की जीतती है तो वो उसमें भी प्राउड होना चाहिए पर अगेन वो एशिया की कंट्री कौन सी है जी पाकिस्तान है तो अगेन फिर डाउट होता था तो थ्रू आउट द गेम मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस क्या चाहूँ कि कौन जीते पर एक बात है कि अंदर से ये भी हो रहा था कि अगर पाकिस्तान जीता तो शायद इतनी खुशी नहीं होएगी एज़ कम्पेयर टू जब इंग्लैंड जीतेगा और जो भी होना था अच्छे के लिए होना था तो वही हुआ है कि भैया इंग्लैंड जीता है और गेम मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो रन थे मेरे हिसाब से वो काफ़ी कम थे और उस वजह से उनका वो रन की वजह से जो उन्होंने खेली है गेम उससे उनकी प्रॉबिलिटी ऑफ विनिंग वहीं पे जाके कम हो गई थी मेरा तो हिसाब से यही कहना है और बेन स्ट्रोक्स डिड अ मार्वलस जॉब क्योंकि जब मैं देखा तो ही वो उनके मेरे ख्याल से रन्स कोई ट्वेंटीज़ में थे और खेलते खेलते उन्होंने भैया 51 के आसपास वो बनाई लिए और एक जो छक्का मारा उन्होंने ऐसे लगता है उससे जो है स्कोर जो उनका इंग्लैंड का था वो स्कोर बोर्ड जो है शूटअप हो गया तो देखते हैं भैया क्या चला है अच्छा हाँ किसने लिखा भाई गेम ख़त्म होते ही हु? गेम जैसी ख़त्म हुई तो शिवम शर्मा जी लिखते हैं मुझे हाँ बुद्धू बना रहे हैं मुझे <laughs> तो लिखते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया मैंने कहा है मैंने तो कुछ और ही देखा <laughs> गई कि ये कैसे हो सकता है ये मेरी आंखों का धोखा था क्या फिर मैंने वापस जाकर डबल चेक किया तो भैया इंग्लैंड जीता हुआ था तो मेरा भी जवाब बड़ा कमाल का था मैंने उन्हें बोला कहाँ उनके सपनों में वो जीते हैं क्या उनके सपनों में वो जीते होंगे तो आप लोग भी ना जिस तरह से बोल के और मजाक उड़ाते हो ना वो मेरे को अब समझ में आ रहा है पूरे मजे लेते हो पर भाई पाकिस्तानी बताओ सच्ची में बताओ सूजी है मतलब मैं वैसे तो मुझे भी बुरा लग रहा है कि कोई हारे तो उसकी क्या गुजरती है पर बताओ बताओ क्या चल रहा है <laughs> आज क्या होगा <laughs> पर कमाल की बात है कि इंग्लैंड जो है ऑन अ सीरियस नोट कि इंग्लैंड जो है वर्ल्ड कप का विनर हो गया फाइनल में गेम अच्छी खेली है इसी से दिख रहा है कि भैया प्रैक्टिस उन्होंने काफ़ी की हुई थी पूरा अपना ज़ोर शोर से उसी इरादे से आए थे जैसे उन्होंने इंडिया के साथ गेम खेली थी मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी कि उनकी फील्डिंग से ही स्टार्टिंग ऑफ द गेम से ही जैसे हर एक प्लेयर के जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही सीरियस गेम खेलने आए हुए थे और उनका तो ऐसे था कि भैया जीतना ही जीतना है किसी भी तरह से बहुत उस उस टाइप से उनका दे फोकस उनकी शक्ल के एक्सप्रेशंस गुस्से से भरे हुए कोई वो नहीं था कि एज अ गेम दे वर वेरी सीरियस अबाउट विनिंग दिस टाइम और इंडिया की गेम से वो दिख गया था मुझको तो वही उन्होंने किया है पूरा अपना जान लगा के उन्होंने खेला है तो इंडिया इंग्लैंड वन बाय सिक्स विकेट्स एंड अभी छः बॉल्स स्टिल बॉल वर लेफ्ट एंड uh, इनके टीम में छक्के इतने इस बारी लगे नहीं हैं तो गेम वोज स्टफ आई थिंक पाकिस्तान ऑल्सो आई वुड से प्लेड वेल क्योंकि गेम वो स्टफ एंड uh, जो मैं कहूँगी कि जितने छक्के लगे पूरी गेम तो में इंग्लैंड वॉज एबल टू ओनली डू सेक टू मेक टू सिक्स और उनमें एक एक छक्का मारा था बटलर ने और एक छक्का मारा था बेन स्ट्रोक्स ने पता है मेरा तो मन करता है उनको बेन स्टोक्स की जगह स्ट्रोक्स बोलूँ ऐसे जो स्ट्रोक्स मारते हैं ना तो स्ट्रोक की जगह उनका नाम चेंज करके स्ट्रोक्स बना देना चाहिए जिस तरह से वो गेम खेलते हैं उन मैक्सिमम जो चौके मारे गए हैं वो किसने मारे हैं भैया बेन स्ट्रोक्स ने स्ट्रोक कर रहे हैं उनका नाम ला जो है ना आकर लास्ट ने उसको चेंज कर दो सर ने हमको भैया <laughs> तो उन्होंने वही किया उन मैक्सिमम रन्स भी उन्होंने बनाए हैं फिफ्टी टू उन्होंने बनाए हैं नेक्स्ट हाईएस्ट वाज वॉज पर उनकी विकेट बड़ी जल्दी चली गई थी मेरे ख्याल से फर्स्ट जो विकेट थी वो उसको देख के मैं काफ़ी हैरान हो गई थी मैंने कहा यार रन्स तो कुछ बने नहीं है थर्टी में थे शायद थर्टी कुछ था शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो उतने में उसमें मतलब एक आउट हो चुका था तो मैंने कहा यार ये तो वो गड़बड़ हो गई है और उसके बाद जब दो दो या तीन और आउट हो गए फिर जब चौथा आउट हुआ तब मैंने कहा यार ये तो कुछ लग रहा है फिर पर पर उसके बाद फिर थोड़ा ठीक हो गया था फिर तो विनिंग का लग ही रहा था जिस तरह से उन्होंने किया है तो बहुत ही अच्छी मतलब गेम खेली है इन्होंने अब क्वेश्चन ये कि आप बताओ कि आपको आप लोगों में से आप क्या चाहते थे कि भैया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में कौन जीते अच्छा कईयों ने रिक्वेस्ट की थी मैम वीडियोस करो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सॉरी इंडिया बोल रही हूँ भैया मेरे दिमाग में तो इंडिया ही रहता है ये इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की तो मैंने कहा था जहाँ इंडिया गेम नहीं खेल रहा वहाँ मैम रिएक्ट नहीं कर सकती <laughs> है ना अच्छा पहले बताओ आप लोग सब आप लोगों ने सपोर्ट किसको कर रहे थे बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान क्योंकि मीडिया में तो कई जगहों पे बड़ी वो शोर वो बो रहा था कि इंडियंस जो है वो पाकिस्तान की जीत को सपोर्ट कर रहे हैं तो बताओ भैया क्या आप सपोर्ट कर रहे थे और वजह क्या थी आप किस वजह से सपोर्ट कर रहे थे इस वजह से क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमको रूल किया था और तो कोई वजह मुझे दिखती नहीं है पर क्वेश्चन ये है कि वो पास्ट में था पर प्रेजेंट में तो पाकिस्तान से रिलेशनशिप्स जो है कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं तो हमें सपोर्ट करेक्टली किसको करना चाहिए था ऐसी सिचुएशन में क्योंकि भाई मैं तो बड़ी कंफ्यूज रही हूँ एंड तक पर यह ज़रूर पता है कि इंग्लैंड के जीतने की, की मुझे खुशी हो रही है दुख नहीं हो रहा आउट ऑफ द टू अब मुझे ये नहीं पता अगर पाकिस्तान जीतता तो क्या मुझे उस टाइप की जो अभी खुशी हो रही है वैसी होती कि नहीं वो तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा उसका आप कभी नहीं पता चलेगा तो जल्दी जल्दी लिख के बताओ आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे और कई आप लोगों को मैच भी देख रहे हो मैंने तो नहीं देखा <laughs> तो चलो चलते हैं पर जाते जाते फिर से बोलूंगी क्या पाकिस्तान वालों सुझी है तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए